नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। 70 और 80 के दशक के मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और रॉनी रॉय का नाम और रीना रॉय का नाम खूब सुर्खियों में रहता था। कई बार लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल को रीना रॉय की जैसी होने की बात कही। इस पर लोगों को रीना ने करारा जवाब भी दिया। हाल ही में 70 के दशक की एक्ट्रेस मुमताज लंदन से मुंबई शिफ्ट हुई है। ऐसे में उन्होंने वीकेंड पर अपने कुछ बॉलीवुड के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी की सबसे खास बात रही, लाइमलाइट से गायब हो चुकी एक्ट्रेस रीना रॉय और एक्ट्रेस शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की मुलाकात। रीना को बॉलीवुड छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी अदाकारी का जादू दिलो दिमाग पर भी अब तक छाया हुआ है। वे अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। खास बात यह है कि 40 साल बाद रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का आमना सामना हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा जब फिल्मों में सक्रिय थे, तब रीना रॉय के साथ उनका नाम खूब जुड़ता था। दोनों रिलेशनशिप में भी आ रहे थे। इस तरह की चर्चा थी कि रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा शादी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन तभी शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही पूनम सिन्हा को जानते थे। शत्रुघ्न जब एफटी सेकंड पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात पूनम से हुई थी और दोनों में दोस्ती भी हो गई। वहीं पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा से शादी करना चाहती थी। उस वक्त शत्रुघ्न रीना के साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसे में सभी को यही लग रहा था कि शत्रुघ्न और रीना जल्द ही शादी कर लेंगे। 1980 में शत्रुघ्न ने पूनम से शादी करके सभी को चौंका दिया। दरअसल वेटरन एक्ट्रेस मुमताज काफी समय पहले ही इंडिया छोड़कर लंदन रहने लग गई थी। हाल ही में उन्होंने जब इंडिया का रुख किया, तो ऐसे में उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया, जहां धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, वहीदा रहमान जैसे सितारे इस पार्टी का हिस्सा बने। लेकिन इस पार्टी की लाइमलाइट चुरा ले गई एक्ट्रेस रीना रॉय। रिपोर्ट्स की माने तो शत्रु और रीना रॉय लगभग 40 साल बाद एक दूसरे से मुखातिब हुए। हालांकि एक्टर अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ आए थे और कपल ने काफी अच्छे से रीना से मुलाकात भी की थी। साथ ही रीना और पूनम ने मिलकर पार्टी एंजॉय की। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति रीना की एंट्री से अचंभित था, क्योंकि वो काफी समय बाद पार्टीज में शामिल हुई। उन्होंने अपना वजन भी काफी कम कर लिया। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी सोनाक्षी सिन्हा है। सोशल मीडिया पर आज भी लोग अक्सर सोनाक्षी सिन्हा की पोस्ट पर अभिनेत्री रीना रॉय का जिक्र कर ही देते हैं। सिर्फ यही नहीं, लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल काफी हद तक रीना रॉय से मिलती है। इस पर लोगों को रीना ने करारा जवाब भी दे दिया था। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।